हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीति यादव ऑफिशियल में आप सभी को ढेर सारा प्यार। तो मैं आज जा रही हूँ और जिसके लिए मैंने स्कूटी लिया था उसे देने जा रही हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहना। ये मेरा कीड़ा काट दिया है तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ, ब्लॉग में बने रहना आप सब लोग और अपना ढेर सारा प्यार देना। मौसम बहुत अच्छा है तो मैं निकल रही हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना कमेंट्स में। तब तक के लिए बाय बाय। और आगे का ब्लॉग देखते रहिए, कंटिन्यू। ओके तो अभी सब रेडी हो रहे हैं तो हम लोग निकल रहे हैं। तो आ गए नीचे आ गए। ये गाड़ी नहीं है, गाड़ी ये है तो निकल रहे हैं। हम तो स्कूटी से ही जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी साथ जा रही हूँ। मैं वीडियोस बनाना है मुझे तो मैं वीडियोस बनाते हुए जाऊँगी। एक मिनट गाइस, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके फाइनली मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है जाने में। बहुत बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। पता है इधर ना सुबह के टाइम आने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा ये आउट एरिया में पड़ता है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मैं अपनी बातें बता रही हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और हाईवे पे अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। चला नहीं रही हूँ, चलाने वाला कोई और है ना, बैठ क्या यार। बहुत अच्छा है ना, वो है वहाँ पे बनाऊंगी। रुकना ठीक है, मेरे को रील भी बनाना है तो मैं उधर ही रुकूंगी, रील भी बनाऊंगी। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हालत एकदम ख़राब हो चुका है। और जा रहे अब अंकिता को, अंकिता का सरप्राइज देंगे इसे। अच्छा अंकिता तुम्हें क्या लग रहा है, हम तुमसे मिलने और तुमको खाना खिलाने आए हैं? हटे गर्वी जी, बाप रे बाप, बहुत गर्वी। अंकिता तुम्हें क्या लग रहा है, खाना खिलाने और खाने आए हैं तुमको? हाँ तुमको ही लग रहा है। तो अंकिता के लिए जो चीज़ लिए थे, आओ दिख रहे हैं जो चीज़ लिए थे अंकिता के लिए, अब उसे जा रहे दिखाने। देखते हैं इसको पसंद आता है या नहीं आता है। और इसको मतलब ये चीज़ मम्मी भी जान रही थी सब। ये तुम्हारा स्कूटी, ये लो पकड़ो, ये चाबी और ये स्कूटी है तुम्हारा। तुम्हारा स्कूटी है, यही देने के लिए आए, और कोई काम नहीं था। इसे कैसे हम खाना खिलाने और खाना खाने आएंगे? गाइस आप लोग बताओ, एक मिनट फ्रंट कैमरा, खाना खाने और इसे खाना खिलाने आएंगे? इतने पागल दिख रहे, पटना से आएंगे यूपी में, वो भी बलिया में। तुम्हारे लिए यार झूठ बोलेंगे, पागल क्या हो? आगे का ब्लॉग दिखा दी, क्या पूछो? देखो ये देखो, मम्मी जान रही, पूछो मम्मी से पूछवा देंगे, विश्वास नहीं है तो। यार गाइस देख लो कितनी वो है, बट ये तो ब्लॉग वो ब्लॉग पड़ जाएगा, वो ब्लॉग चला जाएगा फिर ही आएगा। कैसा वाइट कलर, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है वो। अच्छा है लेकिन यकीन अभी तक नहीं हो रहा कि मेरा है। देख पता है, इतना गंदा मेरे को आज लगा है कि इतना मैंने से इस बंदी को मैंने स्कूटी लिया और इसका इतना गंदा इंप्रेशन बोलते हैं ना, इतना गंदा, नेट कर दीजिए थोड़ा, इतना गंदा इंप्रेशन कि आप लोग साथ वीडियो में देखे होंगे जाके, क्यों बैठ गई इसे वो, कोई मतलब नहीं कि किसका, मतलब कि ऐसा कुछ होता है ना थोड़ा इंसान वो, ओह माय गॉड ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतना गंदा इस लड़की का क्या बताऊँ। और कह रही है चल वीडियो बनाने,
क्या हो गया? मुझे पहले से पता तो अच्छी बात है ना, मैं तो पहले से घर पे, सरप्राइज तो था मेरे लिए, बट मुझे बहुत पहले पता चल गया था। मम्मी कॉल पे कह रही थी कि स्कूटी चला लोगी ना, या फिर भाई कह रहे थे कि चला लो, चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, हम लोग बहुत कुछ प्लान किए घर पे जाएंगे तो उस पर, अब यहाँ पे तो मैं सरप्राइज नहीं, घर पे जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे इसके साथ। पता है गाइस, मैं मम्मी से पूछी थी, मम्मी से कलर वगैरह डिसाइड करवा रही थी, मम्मी से हर एक चीज पूछ के ले रही थी, और मम्मी ने बता दिए, मम्मी बता दी थी इन लोग को, कितना बुरा, कितना दुख हुआ ना मेरे को। बंद करो, वीडियो बना दे, दो वीडियो बना के आते हो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, घूम रहे हैं। इनका वीडियो बन रहा है अभी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होटल है ये, बलिया में ऐसा होटल है ही नहीं मुझे जहाँ तक कि पता है। कितना गंदा लगा ना, अगर पता होता ना, कसम से स्कूटी नहीं लेते, उसके लिए कुछ भी हो जाते। इंप्रेशन देखने के लिए लिए थे, मेन मतलब था जाके ना देख के बैठ रही है उस पर, बैठ करिए, मेरा फोन गिरा दिया भैया, जाके बैठ के करिए भैया ठीक। और बताइए, इतना गंद इसकी स्कूटी पहली बार मैंने देखा था ना, मिल रहा है किसी को कुछ थोड़ा अलग रहता है, उनकी एक किनारे करी ना, मुझे नहीं कहो तू दूसरी गाड़ी क्यों ले गई करती। पहले पता था जान रही ना, तो धक्के लेते कहते हमारे दूसरे के ले रही जो कर रही वो तो दिखा के चुप रहती क्या करती ग्रास दो गाइस। खाने के बाद मिलते हैं ठीक है, ज़्यादा देर तक बात करेंगे ना तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी गंदी लड़की के साथ बात करके ना आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा, मुझे तो हो ही रहा है। तब तक के लिए बाय बाय। बिलिंग करा दे, बिल करा दे, अभी नहीं है तो बिल कैसे करते, अभी रुके ना, अभी वो तो खाएंगे और बस थोड़ा सा क्या है, मतलब इतनी जल्दी कैसे बिलिंग कर देंगे, अभी थोड़ी देर में चलो उधर थोड़ा सा घूमना, तो उधर भी बैठ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बंद कर लो, मिलते हैं, मिलते हैं।